यूपी के कन्नौज जिले से एक मामला सामने आया है जिससे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। एक बार तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति इतनी क्रूर हो सकती है। वो बच्चा जिसे उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा हो, एक बच्चा अपनी माँ की लिए परेशानी का सबब बन गया। बच्चे का कसूर महज इतना था कि वो दोनों पैर के साथ विकलांग था। उसकी बीमारी से माँ और उसका प्रेमी दोनों परेशान हो गए थे। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने वो काम कर दिया जो एक माँ कभी सोच भी नहीं सकती। माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मासूम बच्चे की गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी। बच्चा तड़पता रहा लेकिन निर्दयी माँ को अपने बच्चे पर भी जरा भी रहम नहीं आई। दरअसल ये पूरा मामला सौरी क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कस्बे का है, जहाँ धर्मेंद्र अपनी पत्नी और 13 साल की एक बेटी और 12 साल बेटे के साथ रहता था। धर्मेंद्र की पत्नी का प्रेम प्रसंग गुड्डू नाम के युवक से हो गया। करीब एक माह पहले धर्मेंद्र की पत्नी ने अपने 12 साल के बेटे को लेकर घर में बिना बताए चली गई। छानबीन के बाद धर्मेंद्र को पता लगा कि वह गुड्डू के साथ रह रही है। धर्मेंद्र की सास ने अपनी बहू को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी और अपने ससुराल भी नहीं गई। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र का बेटा दोनों पैरों से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बीती 30 जुलाई को गुड्डू के घर में बच्चे का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पड़ोसियों ने बताया कि गुड्डू बच्चे पर उसकी माँ और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति गुड्डू काफी अत्याचार करता था। यहाँ तक कि कोई उसे खाना नहीं दिया जाता तो कभी उसके साथ मारपीट की जाती थी। वहीं कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि दोनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तब लड़की की मां ने बताया था कि ये बीमार था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। इसके ये महिला अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। इसके पहले पति ने इसमें हत्या की आशंका जताई थी तो लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आया था और जिससे इसकी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज इसमें मृतक की माँ सोनी और इसके दूसरे पति गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में इन्हें हत्या करना स्वीकारा है। इन्होंने बताया कि जो इनका ये लड़का था ये मंदबुद्धि था और काफ़ी समय से बीमार था। इसकी बीमारी से ये त्रस्त हो गए थे। इन्होंने बहुत इलाज भी कराया था फिर अंत में इसकी बीमारी के चलते इन्होंने इसकी हत्या कर दी। आज इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कन्नौज से जनमत न्यूज के लिए अश्विनी पाठक की रिपोर्ट।